हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन द कॉन्सेप्ट बिल्डर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। फिर आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो आइए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे, बिकॉज टाइम इज़ मोर देन मनी। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग आज एलसीएम देखेंगे। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कि एलसीएम हम लोग को निकालना है 20 का, 25 का और 30 का। ठीक, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जिसका एलसीएम निकालना है उन सब नंबर को लिख लेंगे। ठीक, 20, 25 और 30, और इसको तब तक डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 10, 25 तो जाएगा नहीं, जो नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, 2 से 25 तो कटेगा नहीं, 30 कटेगा, तो ये इसको 15, फिर ये किससे कटेगा, तो इसको फिर डिवाइड हम लोग 5 से कर देंगे। 5 से 2 में ये भी कटेगा, 5 5 25 भी, 3 भी कटेगा। ठीक है, फिर अब 2 5 3 आ गया, तो अब कोई भी डबल पेयर तो कटेगा नहीं, तो पहले 2 से हम लोग कर देते हैं, 2 1 जा 2, फिर 5 और 3 यहाँ पर रह जाएगा, फिर 5 से कर देते हैं 1 लाने के लिए, यहाँ तो 1 आ चुका, यहाँ 1 और 3 रह जाएगा, फिर 3 से कर देंगे, तो यहाँ तो 1 था ही, यहाँ भी 1 आ चुका था, यहाँ भी अब 1 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 1 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा जो इस साइड पे, मतलब कि जो क्वेश्चन साइड से जिससे हम लोग डिवाइड किए ना, उन सबको ये इस साइड जितना आया डिजिट उसको यहाँ लिखेंगे, 2 × 5 × 2 × 5 × 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2, और तो कितना आ जाएगा, 5 5 5 5 20 25 20 25, 50 50 50 200 50 200 300 300 हो जाएगा इसका आंसर। समझे, दिस इज योर एलसीएम ऑफ 20 25 30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे आराम से, बहुत ही आसान है। और मैं जानबूझ के अपने वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि क्लास बोरिंग ना हो। अगर आप लोग को लॉन्ग वीडियोस चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के बताएंगे, क्योंकि मुझे सब फॉर्मेट में आता है खेलने, 2020 भी, वन डे भी और टेस्ट भी। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको, मेरा ऑन एन एवरेज कोशिश होता है कि क्लास बोरिंग ना हो, इसलिए मैं कोशिश रहता है कि 10 मिनट के ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स के आसपास एक क्लास में किसी एक टॉपिक को क्लियर कर दूं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर उसी एवरेज से दूसरा टॉपिक करूं। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि इसको और लेंदी क्लास को करें, तो इसी में 4 5 एग्जांपल और लेंगे तो लंबा हो जाएगा, और फिर 2 3 टॉपिक को मर्ज कर देंगे तो वो और भी लंबा हो जाएगा, वन डे की तरफ जाएगा, फिर टेस्ट के भी तरफ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, जैसा होगा वैसा किया जाएगा।
चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। टिल देन ओके, थैंक यू।